सबसे बड़ी मतलब सबसे ज्यादा मैनेजमेंट जो हमारी होती है काम की, या जिस टूल पे सबसे ज्यादा मैनेजमेंट होती है, वो है नोशन। नोशन के बारे में मैंने शायद बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बताया है, या नहीं भी बताया तो एटलीस्ट हमने उसके बारे में बात की है, एंड फ्यूचर के वीडियोस में भी आप डेफिनेटली सुनने वाले हो। मैं कुछ अपने मेथड्स या मैनेजमेंट के तरीके शायद फ्यूचर में रिवील भी करूँगा, अभी तक मैंने नहीं करी है कि मैं किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैंने शेयर नहीं किया है। इससे पहले मैं ट्रेलो यूज़ करता था बहुत पहले, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया उसे यूज़ करते हुए, वहाँ पे ज़्यादा फंक्शनैलिटी थी नहीं, तो बहुत ही बेसिक लगती थी मुझे वो, तो इस वजह से मैंने नोशन पे स्विच किया है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन्हें मैनेज करने की जरूरत पड़ती है मुझे, तो इस वजह से मैंने नोशन पे स्विच किया था। एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया गूगल कैलेंडर को भी इस्तेमाल करने का। गूगल कैलेंडर को बेसिकली मैं स्केड्यूलिंग के लिए यूज करता हूँ अभी, बेसिकली हर चीज में आजकल शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि प्रॉपरली सब कुछ टाइम से हो। और ये मैंने स्केड्यूलिंग जो ट्राई की गूगल कैलेंडर के साथ, वो इसलिए की क्योंकि मैंने टाइम ब्लॉकिंग के बारे में पढ़ा था, तो टाइम ब्लॉकिंग प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंड सुनने में लगता है कि शायद ये आपको अनप्रोडक्टिव बना सकता है, बट एक्चुअल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, काफी प्रोडक्टिव होता है टाइम ब्लॉकिंग। जैसे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर टास्क को चुना, लेकिन उसके लिए आपने सिर्फ अपने आप को 30 मिनट्स दिया, तो वो 30 मिनट्स में ही आप कंप्लीट करते हो। अगर आपने फिर उसी टास्क को लिया, लेकिन आपने सोचा कि जितना भी टाइम लगे मैं ये कंप्लीट करूंगा, तो आप उसी काम को 2 घंटे या 3 घंटे में करोगे, तो इस तरह के डिफरेंसेस होती है। तो इस वजह से मैंने टाइम ब्लॉकिंग भी इस्तेमाल करना शुरू किया है अभी रिसेंटली ही, और उसके लिए मैं गूगल कैलेंडर अभी फिलहाल के लिए यूज कर रहा हूँ। कैलेंडरली बहुत अच्छी टूल है अगर आप मीटिंग वगैरह करना चाहते हो, मीटिंग वगैरह शेड्यूल करना चाहते हो, बट अभी मैं कोई भी पेड कैलेंडर यूज नहीं कर रहा हूँ, गूगल कैलेंडर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसी में जो है मेरे टास्क वगैरह मैनेज होते हैं। टू डू लिस्ट मैं बेसिकली नहीं बनाता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, बनाता हूँ तो वो नोशन के अंदर ही रहता है, या फिर मतलब अलग से कोई ऐप यूज नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं यूज करता था पास में वो था टू डू लिस्ट। अभी के लिए मैं सिर्फ पेन एंड पेपर यूज करता हूँ, मुझे पता नहीं डिजिटल उतना अच्छा नहीं लगता है टू डू लिस्ट बनाने में, क्योंकि आप वहाँ पे स्क्रैच जो करते हैं ना हम लोग, उसका मजा ही कुछ और है, काम कंप्लीट करने के बाद काटने का मजा ही कुछ और है पेन के साथ पेपर पे, तो मैं वही यूज करता हूँ। नोटपैड है मेरे पास छोटी छोटी बहुत सारी जो स्टिकी नोट्स होती हैं, तो मैं उसी में अपना लिस्ट में लिख देता हूँ कि क्या क्या करना है डेली, मतलब आज का टू डू लिस्ट या कल का टू डू लिस्ट जो भी लिखना है मुझे, तो टू डू लिस्ट मैं वहीं पे बनाता हूँ। तो टू डू लिस्ट नोटपैड में रहती है, तो उसके लिए मैं कोई डिजिटल टूल यूज नहीं करता हूँ, बट जो यूज करता था उसका नाम है टू डू लिस्ट, ये ऐप है और डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है आई थिंक, और उसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो अगर आपको डिजिटल में चाहिए तो। वैसे तो मैं पेन एंड पेपर यूज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। इसके अलावा मैं एवर नोट यूज करता था। एवर नोट जो है वो नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, और तो ये मैं यूज करता था नोशन से पहले, अभी भी यूज करता हूँ, लेकिन अभी मतलब काम के लिए ज्यादा यूज नहीं होती है, ज्यादातर नोट्स के लिए यूज होती है। जैसे कोई आइडिया आया आगे से चीज के बारे में लिखना है, मतलब सेव करके रखना है कि इसके बारे में कभी कुछ करूंगा, उस तरह के आइडियाज को अभी मैं वहाँ पे नोट करता हूँ। तो वर्क अभी वहाँ पे कम हो गई है और पर्सनल लाइफ ज्यादा हो गई है एवर नोट पे, बट पहले वहाँ पे वर्क भी हुआ करती थी बहुत सारी। अभी वर्क जो है सारी की सारी मैंने नोशन पे शिफ्ट कर ली है, इस वजह से एवर नोट पे ज्यादा वर्क रिलेटेड कुछ नहीं है, लेकिन एवर नोट भी बहुत अच्छी टूल है जो मैं यूज करता था, मतलब वर्क लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए अभी भी यूज कर रहा हूँ। और इसके साथ और एक टूल है मिला नोट करके, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, मैंने रिसेंटली ही उसे चेक करना शुरू किया था जब मिला नोट वालों ने मुझे स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाने के लिए रीच आउट किया था, बट अभी तक मैंने कोई वीडियो बनाई ही नहीं उसके ऊपर, बट मैंने थोड़ी देर के लिए ट्राई की थी, एंड डेफिनेटली उसमें पोटेंशियल है, तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऐसा मैंने अभी तक यूज नहीं किया उसे, बस कुछ देर के लिए मैंने देखा था, और अच्छी सॉफ्टवेयर है अगर बात करें तो, बट मे बी मैं फ्यूचर में स्पॉन्सर्ड वीडियो या पोस्ट जो है वो करूँ उनके साथ, क्योंकि बात चल रही थी, उसके बाद मैंने ईमेल में रिप्लाई नहीं किया उन्हें, बट अभी भी होल्ड पे है, तो शायद मैं एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाऊँ उसके लिए। अभी के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छी लग रही थी, बट अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। तो मिला नोट भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको एवर नोट पसंद नहीं आता तो वैसे तो आपको एवर नोट पे ही अच्छा लगेगा और आप वही यूज करने लगोगे मेरे हिसाब से। एंड नेक्स्ट मैं यूज करता हूँ हूटसूट, जो कि हूटसूट कहते हैं शायद, तो वो यूज करता हूँ बेसिकली वो शेड्यूल करने के लिए, और टेलविंड भी यूज करता हूँ वो इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के लिए। तो शेड्यूलिंग के लिए मैं इस तरह के टूल्स यूज करता हूँ। वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, बट आप लोगों को कुछ ही टूल्स बता रहा हूँ जो कि ज्यादातर मेरे लाइफ में यूज होते हैं। वैसे मैंने फेसबुक की शेड्यूलिंग जो है वो डायरेक्टली अभी फेसबुक से करना शुरू कर दिया, फेसबुक में ही इनसाइड है, इंस्टाग्राम पे नहीं थी तब मैं टेलविंड यूज करता था, अभी तो आ चुकी है, तो आप टेलविंड से भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो शेड्यूल, मतलब फेसबुक से इंस्टाग्राम की शेड्यूल भी हो जाती है, तो वो भी आप कर सकते हो। पहले वो नहीं थी तब मैं टेलविंड यूज करता था, अभी पिंटरेस्ट के लिए मैं टेलविंड यूज कर रहा हूँ, और क्योंकि पिंटरेस्ट में करना ही है तो इस वजह से मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर कुछ शेड्यूल करना होता है तो दोनों एक साथ ही कर देता हूँ, ताकि पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे एक ही साथ पब्लिश हो जाए। और साथ ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे करने के लिए मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ, और मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म बताया आपको अगर आपने ध्यान दिया तो, हूटसूट, टेलविंड, तो इस तरह के मल्टीपल टूल्स बताए, तो वो इसलिए क्योंकि मैं सारे में फ्री प्लान ही यूज कर रहा हूँ, तो फ्री प्लान में एक लिमिट होता है कि आप इतना ही शेड्यूल कर सकते
लगता है। तो मैं मल्टीपल टूल्स यूज करके जैसे कि 15 मैंने हुट स्वीट पे शेड्यूल कर दिया, 15 मैंने टेलविन पे शेड्यूल कर दिया, तो पूरे एक महीने का मेरा शेड्यूल बन गया। तो इस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टूल हैं और सारे टूल्स जो प्री प्लान है उसमें कुछ शेड्यूल करने देते हैं, तो आप प्री प्लान को इस्तेमाल करके मतलब पूरा अगले 1-2 महीने तक की शेड्यूल कर सकते हो, बस आपको डिफरेंट डिफरेंट एप्स में करना पड़ेगा। तो मैं अभी वही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी वहाँ पे नहीं करना है बेसिकली। और कंटेंट प्लानर अभी मेरे पास कैनवा में भी है, तो मैं कैनवा में भी ट्राई करूंगा। मे बी मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी है, बट कैनवा में करता हूँ यूज डिजाइनिंग वगैरह के लिए, ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए। कभी कभी ब्लॉग पोस्ट वगैरह पे ग्राफिक डालना होता है या इन्फोग्राफिक्स बनानी होती है, तो वो मैं कैनवा इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए। और सोशल मीडिया पोस्ट जितने भी आप देखते हो वो भी कैनवा से ही क्रिएट करते हैं हम लोग, तो कैनवा भी यूज करता हूँ उसके साथ साथ। एंड कॉन्टेंट राइटिंग के लिए मैं मोस्टली गूगल डॉक पे लिख लेता हूँ, लेकिन साथ ही मैं आजकल फ्रेज जो ऐप है वो भी इस्तेमाल करना मतलब स्टार्ट कर चुका हूँ। फ्रेज मैंने लाइफ टाइम डील जब एप्सूम में रन हो रही थी तब मैंने खरीदी थी, एंड वहाँ पे भी मैं कभी कभी आर्टिकल राइटिंग करता हूँ। मोस्टली ये गूगल डॉक में ही होती है मेरी राइटिंग, एंड देन मैं अपनी वेबसाइट पे जाके थ्राइव आर्किटेक्ट यूज करता हूँ और डिजाइनिंग के लिए। पूरा थ्राइव सूट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, थ्राइव थीम बिल्डर हो गई, थ्राइव लीड्स हो गई, लगभग सारे टूल्स उनके मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी वेबसाइट पे। blogger.com कह लो, bimali.com कह लो, या कोई भी मेरी दूसरी वेबसाइट्स, तो मैं सारे वेबसाइट्स पे यूज करता हूँ थ्राइव के टूल्स, और ब्लॉग पोस्ट की डिजाइनिंग में थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ करता हूँ। वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं, तो वीडियो एडिटिंग में अभी मैं यूज कर रहा हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन पहले ज्यादातर कैमटेजिया यूज करता था, क्योंकि जब मेरे पास उस वक्त पावरफुल पीसी नहीं थी तो कैमटेजिया यूज करता था, क्योंकि वो कम पावर पे भी ठीक ठाक चल जाती थी और वहाँ पे ज्यादा कुछ फंक्शनैलिटी है नहीं, बट काफी यूजफुल है अगर आपको बेसिक वीडियोस बनाने हैं। तो मैं कैमटेजिया यूज करता था पहले, तो अभी एडोबी प्रीमियर प्रो ज्यादा यूज करता हूँ, बट मेरे पास अभी भी सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, पावर डायरेक्टर भी है, वो भी मैं यूज करता हूँ कभी कभी। तो सारे ही सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है अभी भी यूज करने के लिए, लेकिन अभी मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ एडोबी प्रीमियर प्रो, क्योंकि मैं उसमें माहिर होना चाहता हूँ। एंड कभी कभी कैमटेजिया पे भी एडिटिंग हो जाती है, लेट्स से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो मैं एडिट कर रहा हूँ, तो वो बेटर होती है कि आप कैमटेजिया पे एडिट करो, क्योंकि इजीली वहाँ पे वो सब फीचर्स मिलते हैं जो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में आप डालना चाहते हो, तो वही इस वजह से कभी कभी कैमटेजिया भी यूज कर लेता हूँ, और वो भी अवेलेबल है। आई थिंक इतने टूल्स काफी हैं अभी के लिए। मैंने बस बिना कैटेगरी वाइज मतलब फटाफट वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मेजर टूल्स बताए जो मैं अपने लाइफ में अभी यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बनाना हो, जैसे कि मान लो सोशल मीडिया के लिए हम लोग क्या क्या टूल यूज करते हैं, या वीडियो के लिए क्या क्या टूल यूज करते हैं, इस तरह से डिवाइड करना हो तो बहुत सारे बन जाएंगे, तो वो कभी और सारे टूल्स जितने भी रिसोर्सेस वगैरह यूज करता हूँ वो देखने हैं। ब्लॉगिंग के लिए जितना यूज करता हूँ आपको blogger.com/resources पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मैं लिंक भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने सारे टूल्स लिस्ट कर रखे हैं जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो यूज करता हूँ मैं अभी तक, उसके लिए मैंने लिस्ट नहीं बनाई है, मैं डेफिनेटली बना लूंगा। या फिर मेरे अपने किट पेज पे जा सकते हो, अमेजन पेज पे भी जा सकते हो, bimali.com/store पे जाओगे तो वो रिडायरेक्ट करके आपको अमेजन पेज पे ले जाएगी मेरी। वहाँ पे भी मैंने अपना टेक प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, बुक्स भी इंक्लूड कर दिया जो मैं बुक्स रीड करता हूँ या रिकमेंड करता हूँ। एंड किट पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी मैंने कुछ अपने टेक प्रोडक्ट्स वगैरह या इक्विपमेंट्स वगैरह को लगा दिया है, उस पर भी kit.co/bishnu आई थिंक, तो वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हो। सबको लिंक सबका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है बाय द वे, तो आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हो। एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।